साइबर सिटी के पौश इलाके में युवती के साथ अश्लील छेड़छाड़ के बाद अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। वारदात कल देर शाम सेक्टर 15 इलाके की है, जहां ओल्ड डीएलएफ की रहने वाली पीड़िता अपने योगा टीचर के साथ योगा क्लासेस अटेंड करने के बाद आ रही थी कि पीड़िता को शक हुआ कि स्कॉर्पियो में सवार बदमाश न केवल उसका पीछा कर रही है बल्कि अश्लील हरकतें भी कर रही है। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत में दर्ज करवाया गया है कि कैसे कानून से बैकऑफ बदमाशों ने पहले तो उसका रास्ता रोका और उसके बाद सरेआम उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके बाद उसे जबरन स्कॉर्पियो में भी घसीटने लगे। अचानक हुई इस वारदात से पीड़िता शॉक हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद घबराकर बदमाश पीड़िता को छोड़ मौके से फरार हो गए। वहीं मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस की सेवा सुरक्षा और सहयोग के नारे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये दिनांक 28 मई की घटना है। एक युवती ने एक पुलिस कंट्रोल रूम के थ्रू और पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई है, जिसमें युवती ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर उसका नंबर आ चुका है। नंबर के थ्रू हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। युवती ने यह बताया कि कुछ लड़कों ने अश्लील हरकतें रोकने की कोशिश करी है और युवती के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी है। बतौर जब युवती सिविल लाइन के एरिया के अंदर अपने एक योगा टीचर के साथ कहीं जा रही थी। सर, इसमें यह भी कहा गया है कि उसका अपहरण करने की भी कोशिश की गई है सर, प्रयास किए गए थे। हाँ, युवती ने जो अपनी कंप्लेंट दी है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है उन्हीं कंसर्न सेक्शंस के थ्रू और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने उसको कोऑपरेट नहीं किया, क्या ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान हो पाई है सर? नहीं, आज के टाइम में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुलिस कोऑपरेट ना करे। किसी भी महिला विरुद्ध अगर अपराध के अंदर कोई भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस तत्परता से उस चीज़ पर संज्ञान लेती है, उस पर कार्रवाई करती है। अच्छा सर, आरोपियों की पहचान हो पाई, कहाँ के रहने वाले थे, क्या सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात? आरोपियों की पहचान हो चुकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। एग्जैक्टली सीसीटीवी खंगाली जा रही है, एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशंस निकल के आती हैं, क्या सच्चाइयां आती हैं इसके अंदर, वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चल जाएगा। गिरफ्तारी हुई है सर किसी की? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है फिलहाल। कब की घटना है सर, ये कहां की घटना? 28 तारीख की सिविल लाइन्स एरिया की। वहीं इस मामले में एसपी क्राइम के माने तो उन्होंने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।